हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हमारा जो चल रहा था चैप्टर नंबर 3, राजस्थान में किसान आंदोलन, तो जिसमें हमने सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो कि बिचौलिया किसान आंदोलन था उसके बारे में पढ़ लिया। तो चलिए उसके बाद देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ में 1921 ईस्वी में। बिचौलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू यानी मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक और अत्यधिक करों, लाग बाग बैठ बेगार सामंती जुल्मों के विरुद्ध जो है राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन जो है वो शुरू किया। तो ये डेट जो है वो आप याद रखें कि बेंगू किसान आंदोलन की डेट क्या है। यहाँ पर आंदोलन 1921 ईस्वी में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में स्टार्ट होता है। तो बेंगू के किसान जो हैं वो 1921 में मेनाल के भेरीकुंड नामक स्थान पर इकट्ठा हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपा जी और कृपा जी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद भी हुए। तो धाकड़ जाति के जो किसान थे वही जो हैं यहाँ पर सबसे पहले बिजोलिया में भी धाकड़ जाति के ही किसान थे जो आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पर बेंगू में रूपा जी और कृपा जी धाकड़ ये सेना की गोलीबारी से शहीद हो जाते हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को नहीं दबा सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पर बेंगू में कौन था यहाँ ठिकानेदार? अनूप सिंह था, ठीक है। और यहाँ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है, जो संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो उसी के साथ जो जुड़े राम नारायण चौधरी, उनके नेतृत्व में 1921 में बेंगू किसान आंदोलन होता है। यहाँ पर जो है यहाँ किसान इकट्ठा होते हैं मेनाल के भेरीकुंड नामक स्थान पर, और यहाँ पर गोलीबारी जो है होती है जिसमें दो किसान मारे जाते हैं, रूपा जी और कृपा जी, ठीक है। और इस आंदोलन को जो है मेवाड़ सरकार जो है वो आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है, और यहाँ पर अंत में जो है अनूप सिंह ठिकानेदार और राजस्थान सेवा संघ के मध्य में समझौता होता है जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। अगला देखें भरतपुर किसान आंदोलन। अभी देखिए चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप याद करेंगे, यहाँ तो केवल आपको समझना है। चैप्टर को रीडिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जो ओवरव्यू है वो बन जाता है कि किस तरीके से आंदोलन जो है उसका क्या कारण रहा। अब आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे और जिसने पहली बार जो है यहाँ बिजोलिया किसान आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन देखा तो वो याद करने के बाद भी जो है एग्जाम में याद नहीं आएगा। क्यों? उसकी वजह ये आती है कि तब आप उसे रटते हैं, रटी हुई चीज जो है वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है। लेकिन समझने के बाद जब हम उस स्टोरी को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं तो हमें वो याद रहता है। और यदि बाय चांस एग्जाम में यदि हम भूल भी जाते हैं तो वो जो कहानी हमारे माइंड में है उससे हम सही ऑप्शन पर भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा ही होता है चैप्टर को पढ़ने से। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा जो है वो अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण जाट गुर्जर अहीर मेव कमोवेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया जिससे यहाँ के भू राजस्व में वृद्धि हुई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन यहाँ किया। तो यहाँ भरतपुर किसान आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब 1931 में नया भूमि बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया तो इस वजह से भू राजस्व जो है यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, और इसीलिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ आंदोलन करते हैं। जब राज्य ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को फौजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान जो हैं वो भरतपुर में इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ के किसान जो थे उनकी दशा अच्छी ही थी, लेकिन बाद में जब भूमि बंदोबस्त जो है यहाँ पर लागू किया गया तो उस वजह से जो है यहाँ पर आंदोलन होता है।
तो यहाँ किसान इकट्ठा होते हैं, लगभग 50 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। फौजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ जो है वो भाषण दिए। नवंबर 1931 में फौजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और जिससे ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। फिर देखें मेव किसान आंदोलन। तो अलवर भरतपुर जहाँ पर मेव रहते हैं, क्योंकि अलवर भरतपुर मेवाती इलाका है, तो यहाँ के किसान जो है वो मेव कहलाते हैं, मेव किसान। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था जो है स्थापित की और मेव किसान आंदोलन को जो है संगठित किया। तो अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। तो चौधरी यासीन खान इनके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान जो है वो देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। तो इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि जो है यह उग्र भी हो गया। 1937 में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया और इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व और अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो याद रखें कि यहाँ पर अलवर और भरतपुर क्षेत्र में मेवों के द्वारा जो आंदोलन जो है यहाँ पर जो किया जाता है, तो यहाँ पर अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक जो संस्था थी जिसको मोहम्मद हादी जो है वो चला रहे थे, तो यहाँ पर ये मेवों को जो है वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ चौधरी यासीन खान जो है इस आंदोलन का जो है नेतृत्व करते हैं और कहते हैं किसानों से कि जो खरीफ फसल है उस पर लगान जो है वो ना दें। उसके बाद देखिए अलवर किसान आंदोलन एवं नीमू चाड़ा हत्याकांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन, तो इसे नीमू चाड़ा हत्याकांड भी कहा जाता है। और इस आंदोलन को जो है महात्मा गांधी जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसकी तरह बताते हैं। जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था वहां पर बिना बताए जो है उन पर जैसे गोलियां जो है वो भीड़ पर बरसाई गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी यही हुआ था। तो यहाँ पर आंदोलन का कारण जो है वो क्या रहा था? तो यहाँ पर अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर जो है रौंदों में पाला जाता था। तो यहाँ पर जंगली सुअरों को जो है वो पाला जा रहा था। तो ये सुअर क्या करते थे? किसानों की खड़ी फसल को जो है खराब कर देते थे। तो उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी कि इनको नहीं मारा जाएगा। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में जो है वो आंदोलन शुरू किया। तो अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाजत दे दी। तो 1923 से 24 में अलवर महाराज जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान जो है वो अलवर के निमूचाड़ा गांव में इकट्ठा हुए। अब देखिए यहाँ पर जंगली सुअरों को मारने की इजाजत जो है सरकार दे देती है, तो यहाँ पर आंदोलन समाप्त तो हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ के जो अलवर के महाराज थे जय सिंह, उन्होंने क्या कर दिया कि किसानों पर लगान की दर जो है वो बढ़ा दी। तो इस वजह से 14 मई को जो है 1925 को किसान जो है यहाँ नीमू चढ़ा गांव में इकट्ठा होते हैं। लेकिन उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए। तो महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बीभत्स यानी उससे भी ज्यादा बुरा जो है इसको बताया। उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। तो जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है जिम्मेवार था, उसने ही गोलियां जो है वो चलवाई थी। तो इसीलिए इसको जो है महात्मा गांधी किसकी संज्ञा दे रहे हैं? डायरवाद गहरा और व्यापक की संज्ञा दे रहे हैं। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के सामने जो झुकना पड़ा और आंदोलन फिर समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारे किसानों ने जो है यहाँ पर बलिदान दिया और लेकिन उसके बाद जो है ये आंदोलन समाप्त हुआ। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेंगू के किसान के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें, लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों पर लगान
की रकम देनी पड़ रही थी। हालांकि किसान जो थे, जब अंग्रेजों का शासकों के साथ समझौता हो जाता है उसके बाद से ही किसान जो हैं परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उनकी बात जो है वो बाहर तक आती ही नहीं थी, उनकी बात जो है कहीं तक भी नहीं पहुंचती थी। वो लोग तो एक ही जो है जगह पर रहते थे, लगान जो है उनके ऊपर बढ़ता जाता था और धीरे धीरे जो है वह खत्म होते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन बिचौलिया का जो किसान आंदोलन है उससे जो है ये लोग प्रेरणा लेते हैं और फिर ये चीज जो है वो सभी के सामने नजर आती है। बिचौलिया और बेंगू के किसान के आंदोलन से ये अत्यधिक प्रभावित हुए कि हमें जो है मरना तो है ही, तो मरने की बजाय जो है हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। परिणामतः अप्रैल 1922 में बिचौलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरण क्षेत्र, याद रखें बूंदी राज्य में बरण क्षेत्र के किसानों ने यह आंदोलन किया। किसके विरुद्ध? बूंदी प्रशासन के विरुद्ध। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नेनूराम के हाथ में था। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ जो है इसमें शामिल जो नेता थे कौन कौन से? रामनारायण चौधरी जो कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, यहाँ पर नेनूराम जो कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, ठीक है, विजय सिंह पथिक हैं, माणिक्यलाल वर्मा हैं, ये सभी राजस्थान सेवा संघ के जो है वो नेता रहे, लेकिन संस्थापक विजय सिंह पथिक हैं। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। तो हर जगह जो है ये बात जो है वो फैली कि किस तरीके से किसानों का जो है दमन हो रहा है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में, डाबी गांव कहाँ है? बूंदी राज्य में, ठीक है, किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई गईं, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर जो है वो शहीद हो गए। तो अब यहाँ पर जो है बूंदी में दो नाम आ रहे हैं, किसके? भील, नानक भील और देवलाल गुर्जर। ठीक है, और हमने दो नाम देखे किसानों के, रूपा जी और कृपा जी धाकड़। तो बताइए वो कौन से किसान आंदोलन से थे? तो वो थे बेंगू किसान आंदोलन से। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का तो निवारण किया और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियासतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, लेकिन परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया। तो 1923 के अंत तक आंदोलन जो है वो प्राय समाप्त हो गया। 1936 में एक बार फिर बरण क्षेत्र में आंदोलन का दौर जो है वो चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी की हिंडोली में स्थित हूडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ। तो यहाँ पर आंदोलन जो है वो लगभग समाप्त हो गया था। उसकी वजह क्या थी? कि राजस्थान सेवा संघ से उन्हें मार्गदर्शन ही मिलना बंद हो गया। तो इस वजह से जो है किसान भी शांत पड़ गए, क्योंकि जब तक कोई नेतृत्वकर्ता नहीं रहता है जब तक वो चीज़ जो है वो आगे नहीं पहुँचती है। लेकिन दोबारा से जो है यहाँ पर बूंदी में आंदोलन फिर से स्टार्ट होता है और यहाँ 500 गुर्जर मीणा किसान जो है वो इकट्ठा होते हैं हिंदोली में स्थित हूणेश्वर महादेव के मंदिर में। तो जहाँ उन्होंने एक मांग पत्र जो है तैयार किया, हमारी जो है मांगे क्या होंगी, तो ये चीज उसमें लिखी और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, तो जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें छोड़ दिया गया और इस वजह से ये आंदोलन जो है समाप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए चराई कर आया है। चराई कर क्या? जो कि कृषि पर लिया जाता है, ठीक है, फसलों पर लिया जाता है। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक से, अत्याचार से और शोषण से परेशान थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। ठीक है, किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ।
1922 में सीकर के जो यहाँ राव राजा थे कल्याण सिंह, तो इन्होंने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। ठीक है, तो यहाँ कर जो है इन्होंने डबल कर दिया। इससे और किसानों को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया, इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर जो यहाँ राव राजा थे कल्याण सिंह, इन्होंने सबसे पहले जो है वो भूमि कर पहले तो 25% लिया जा रहा था, डबल कर दिया 50%, और ये भी कह दिया किसानों को कि अगले वर्ष जो है उनसे जो लागें ली जाएंगी उनमें छूट दे दी जाएगी। लेकिन वह अपने वचन से मुकर गया और इसी वजह से किसान जो है यहाँ पर परेशान होकर आंदोलन करते हैं। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्माचारी के सीकर आने से किसानों को जो है यहाँ प्रोत्साहन मिलता है। सीकर आंदोलन की गूंज जो है वो कहाँ तक पहुँचती है, केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वो अब ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का पहले सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया। तो सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। तो अब किसान जो है और भी इनमें जो है और असंतोष जो है वो फैल गया। तो ये जरीब क्या होती है, तो जरीब जो है लोहे की जो कड़ियां होती हैं उससे बनी एक जंजीर होती है, और जो कि भूमि नापने के लिए की जाती है। ठीक है, खेत की नाप के लिए इसका प्रयोग जो है वो जो लेखपाल होता है, जो जिसे हम पटवारी कहते हैं, वो करता है। तो सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना जो है वो भूमि कर में वृद्धि कर दी। तो जरीब की लंबाई के मामले को लेकर और भूमि कर में जो है की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष फैल गया। तो एक तो जो है छोटी जरीब का उन्होंने उपयोग किया नापने के लिए, दूसरा भूमि कर में जो है वो वृद्धि कर दी। तो अब किसान जो है उनमें असंतोष तो बढ़ेगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया गया। तो जाट नेताओं ने शेखावटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित करके उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया कि भूमि पर जो लगान लिया जा रहा है वो मत दो। यहाँ भरतपुर के जाट नेता देसराज ने सीकर शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना जो है उत्पन्न कर दी। ठीक है, तो 1932 में बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देसराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय किया गया। तो यहाँ पर भरतपुर के जो जाट नेता हैं देसराज, तो उनके नेतृत्व में ही एक सभा का आयोजन होता है और सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय किया जाता है। तो राव राजा ने यहाँ महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। तो ये महायज्ञ से पहले जो है जो अध्यक्ष बनेगा उसकी जो है वो सवारी निकाली जाती है। तो उस पर हाथी पर जो है वो बैठकर महायज्ञ का जो अध्यक्ष है, तो उस हाथी पर बैठकर जो इसकी सवारी जो है वो निकाली जाती है। तो राव राजा ने जो है इनकार कर दिया हाथी देने से। तो किसानों और शासकों के बीच में वो तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई, जिससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये जुर्माने का दंड दिया। तो ये 51 रुपये जो है उस समय के बहुत हैं, आज के समय के कम हैं, उस समय बहुत थे। तो जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया गया, जिस वजह से इसके विरोध में यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने 25 अप्रैल 1934 को
जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया। 10,000 स्त्रियों ने इसमें भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किशोरी देवी कर रही थी। तो अब फटाफट से जो है वो एक आंसर जो है वो आप दें। हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था जिसमें मैंने आपको किशोरी देवी के बारे में बताया था, तो वो किशोरी देवी जो है वो कौन थी? तो आपको याद आया होगा कि किशोरी देवी जिन्होंने जो है 1934 ईस्वी में सीकर जिले के जो कटराथल स्थान है वहां पर जो है जो विशाल महिला सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ का जो ठाकुर था मान सिंह, तो इसने किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो ये जो किशोरी देवी थी वो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। ठीक है। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन गांव में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। तो उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी और पुलिस ने गोली चला दी जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकू राम और लगभग 175 जाट जो है वो किसान गिरफ्तार हुए। इस हत्याकांड की गूंज जो है ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। ठीक है, इसकी भी सुनाई दी। किसकी? कूंदन गांव हत्याकांड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कूंदन गांव हत्याकांड। इससे मजबूर होकर जयपुर के जो महाराजा थे तो इस ओर जो है उनको ध्यान देना पड़ा। ठीक है, आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा। किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा और इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, पन्ने सिंह बाठडा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गौरव सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखराम कसवावली, ये सभी थे। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन जो है वो फैल गया। तो यहाँ शेखावटी में आंदोलन जो है कहाँ कहाँ होता है? सीकर में होता है, झुंझुनू में होता है। ठीक है, मार्च 1933 में जो है खेतड़ी में भी आंदोलन हुआ। ढूंढ लोध, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन, यहाँ पर ठिकानों ने भी जाटों ने भूमि कर देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो जयपुर राज्य में उस वक्त ये सभी जो हैं क्षेत्र आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जाट जो थे, जाट किसान, उन्होंने आंदोलन किया था। अब धीरे धीरे जो है वो बात जब बढ़ती है तो आगे भी लोगों को इससे जो है प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी क्यों दबकर रहें। तो इस तरीके से धीरे धीरे शेखावटी के सभी जो ठिकाने थे वहां के किसानों ने जो है कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी जिससे 33 घर जो है वो जलकर राख हो गए। इसी प्रकार ढूंढ लोध के ठाकुर ने, तो ये ठिकाने थे, ठिकानों के नाम है ये, ढूंढ लोध के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी के किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर जो है मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की गई कि जागीरदार के आतंक से उनको मुक्त कराया जाए। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी और नाजिम ने किसानों के शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिससे शेखावटी और सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सीकर और शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरा लाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की व्यवस्था की।
तो इस तरीके से जयपुर राज्य में किसान आंदोलन जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सीकर में यहाँ पर जब भूमि कर जो है वो डबल कर दी जाती है, 25 से 50% कर दी जाती है, तो जो किसान जो है वो यहाँ पर चिंतित हो जाते हैं और उस वजह से यहाँ पर खिन्न होकर आंदोलन करते हैं। ठीक है, और यहाँ जो कल्याण सिंह जो था सीकर में, तो वो अपने वादों से भी मुकर जाता है। वो कहता है कि नेक्स्ट ईयर जो है तुम्हारी लागू में छूट दे देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। इस वजह से सीकर में जो है आंदोलन होता है। रामनारायण चौधरी जो है इस आंदोलन में जब आते हैं तो किसानों को जो है यहाँ बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और हमने देखा कि यहाँ पर जो जाट थे, यहाँ पर जयपुर राज्य में कौन थे, किसके द्वारा आंदोलन किया गया, तो जाट किसानों के द्वारा जो है आंदोलन किया गया था। तो देखिए जयपुर राज्य में जो किसान आंदोलन हुआ, जिसमें आप कुंदन गांव हत्याकांड जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है सीओट के ठाकुर मानसिंह द्वारा जो यहाँ की जाट महिलाएं थी उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जो दुर्व्यवहार किया गया, तो वो याद रखेंगे कि किशोरी देवी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, महिलाओं को संगठित किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है आप याद रखेंगे कि सीकर के जो कल्याण सिंह थे राव राजा, तो उन्होंने 25 से 50% जो है कर लगा दी थी और झूठ भी बोला था, किसानों को आश्वासन दिया था कि उनकी लागें जो है वो कम कर दी जाएंगी नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गया। तो इस वजह से भी यहाँ आंदोलन जो है वह होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जयपुर के सभी ठिकानों में जो है वो आंदोलन उग्र रूप ले लेता है। तो ये चीज़ जो है वो हमने इसमें समझी। तो चलिए, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़ और बीकानेर किसान आंदोलन, ये दो आंदोलन और रह गए हैं, और ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू।